नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए आर्टोग्राफी जो होती है वो होती है आपकी नक्शा बनाने की कला, सही है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों का अध्ययन, ये भी सही है। हिप्नोलॉजी होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि हिप्नोलॉजी क्या होता है, नींद का अध्ययन, ठीक है, नींद का, स्टडी ऑफ स्लीप, ठीक है। और जो आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बेंजोइक अम्ल में निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत पूछे गए हैं, तो घास उसका प्राकृतिक स्रोत है और पत्ते भी उसका प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन जो दूध है ना वो कहाँ पाया जाता है, वो लैक्टिक एसिड में, है ना, बेंजोइक अम्ल में नहीं, लैक्टिक एसिड में। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बोरोन की कमी से होने वाला रोग है। शलजम में वाटर कोर, ये बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग नाम का जो रोग है वो भी आपका बोरोन की कमी से होता है। और आंवले में निक्रोसिस, ठीक है। तो ये तीनों रोगों के नाम आप याद रखिएगा और तीनों बोरोन की कमी से होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फोलिक एसिड की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। फोलिक एसिड की कमी से आपका एनीमिया, पेचिस और पेलेग्रा। तो देखिए एनीमिया हो गया, ये भी फोलिक एसिड की कमी से है और पेचिस भी फोलिक एसिड की कमी से होगा, लेकिन जो पेलेग्रा है, ठीक है, जो आपका पेलेग्रा है ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, यानी ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी के स्रोत है ना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है ना, तो सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण तो होगा ही होगा, उसके अलावा मछली का जो तेल है वो भी होगा इसका आंसर, और अंडे में भी विटामिन डी आपको मिलेगा, ठीक है। तीनों ही है जो विटामिन डी के स्रोत है, मेन स्रोत इसका कौन सा है, ये सूरज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, रूस के संविधान से नहीं लिए गए, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। तो ये हो गया गलत। अगला देखते हैं, मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये वाला है जो आपका, ये सही स्टेटमेंट है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक सरकार है ना, ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए, हमारा जो प्रियाम्बल है वो कहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा, है ना, जागरूक सरकार नहीं, जागरूक लोग, ठीक है, ये गलत हो गया। और यूएसए की जो सरकार है वो राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है, ये वाला आपका सही है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के पदक्रम का सही अनुक्रम क्या है। देखिए सचिव होता है सबसे ऊपर, उसके बाद अतिरिक्त सचिव होता है, उसके बाद संयुक्त सचिव होता है, उसके बाद फिर निदेशक होता है, उसके बाद उप सचिव होता है, ये भी याद रख लीजिए, है ना, और फिर उसके बाद अवर सचिव होता है, अवर सचिव, ठीक है, ये इसका क्रोनोलॉजी होती है, केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं।
अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कोपरा के नाम से, है ना, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कोपरा 1986, तो हो जाएगा आंसर बी। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण कहां पर स्थापित किया गया है? न्यूरेमबर्ग में, न्यूयॉर्क में, आपका पेरिस में या द हेग में? तो जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा, न्यूरेमबर्ग में है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर क्या किया, इस मिसेलेनियस में हमने सारे सब्जेक्ट्स उठाए हैं और उन सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे टॉपिक्स, ऐसी पॉइंट्स जो समझ में नहीं आते कि किस जगह से हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप अगर इनको रखें तो हर किसी एक हेड में रख सकते हैं कि हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस उठाए हैं जिनको समझ में नहीं आते, विविध में डालना ही ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस पेपर में सभी लोग 35 अबव रहेंगे आप, ठीक है। अगर कोई 35 बिलो है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए और रीज़न बताए उसका कि 35 से नीचे आने का क्या कारण रह गया, ठीक है। भारत का जो पेरिस है वो जयपुर नगर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और आपका मंदिरों का शहर है जो, ये वाराणसी को कहा जाता है, ये भी सही है। उसके अलावा भारत का जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है बेटा, भारत का स्विट्जरलैंड मसूरी को नहीं कहा जाता, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है, कश्मीर को, ठीक है। और जो मसूरी है वो किस नाम से फेमस है? पर्वतों की रानी, ठीक है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, ये लिख लीजिएगा इनको सबको, है ना, अगर कुछ ना गलत हो रहे हैं तो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, पश्चिम बंगाल की सीमाएं निम्नलिखित में से किन देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं, आप मैप खोलिए और मैप में इसको एक बार लोकेट करें। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा है जो, वो आपकी चीन के साथ नहीं लगती, नेपाल के साथ लगेगी, भूटान के साथ लगेगी और बांग्लादेश के साथ लगेगी, ठीक है। तो 2, 3 और 4 यानी कि बी आंसर। अगला देखें, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए म्यांमार की सीमा से जब आप देखेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश करेगा, है ना, किनारे किनारे से ही सारी टचिंग है इसमें, मैप में एक बार जरूर लोकेट कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड और फिर उसके नीचे मणिपुर और फिर मिजोरम, ठीक है। ये हैं आपके 4 स्टेट्स जो कि म्यांमार से टच करते हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश से कौन से करते हैं वो आपको कमेंट्स में बताना है, कौन है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है जो म्यांमार से टच करता हो, ठीक है, डी आंसर। अगला देखिए, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों से मिलती है? देखिए महाराजगंज से मिलेगी, उसके बाद सिद्धार्थ नगर से मिलेगी, उसके बाद आपका बलरामपुर से मिलेगी, ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती से मिलेगी, उसके बाद आपका बहराइच से मिलेगी, बहराइच से, ठीक है, उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से मिलेगी और फिर पीलीभीत से मिलेगी, ठीक है, पीलीभीत से। तो ये सारे ही चारों इसमें इंक्लूड हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मैकमोहन रेखा, है ना, ये मैकमोहन रेखा ये किसके किसके बीच के है? ये है इंडिया और चाइना के बीच की, ठीक है, यहाँ लिखा है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की कौन सी होगी? वो होगी आपकी रेड क्लिफ लाइन, ठीक, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है डुरंड लाइन, ये सही है, ठीक है। उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर है जो, वो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, फैक्ट है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हिमाचल प्रदेश की हैं? ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, कनौरा भी हिमाचल प्रदेश की है, गुज्जर भी हिमाचल प्रदेश की है और लाहौल भी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, तो चारों ही हिमाचल प्रदेश के हैं, डी आंसर। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र में से कौन अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है? देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी है जो, ये आपकी हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। केंद्रीय कृषि वन की अनुसंधान संस्थान है जो, ये झांसी में है, ये भी सही, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, है ना, याद रख लीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैनेजमेंट जहां आ जाए तो वो आपका हैदराबाद। उसके बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है जो, वो आपकी नागपुर,
ठीक है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है, ये भी सही है, ठीक है, इसमें धनबाद से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखें, निम्नलिखित स्थानों का उनके उत्पादन के अनुसार मिलान करें। सिंगरौली आपका कोयला, काजरहट आपका सीमेंट, और कोयली है जो ये आपका तेल शोधन के साथ मैच करेगा, और आनंद है दूध के साथ मैच करेगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित समितियों का उनके साथ मिलान करें। तो देखिए, दत्त समिति को आप मिलाएंगे औद्योगिक लाइसेंस से, राज समिति हो गई कृषि कर से, वांचू समिति हो गई प्रत्यक्ष कर से, और करवे समिति हो गई ग्रामीण समिति तथा लघु उद्योग से संबंधित, ठीक है, इन पे इनकी रिकमेंडेशन साइन थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपका TCS की फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सही है। TRP की फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये भी सही है। और TIFR है जो उसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, सारी फुल फॉर्म्स हैं, सारी सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, एप्पल के CEO कौन होंगे, ये आपके स्टीव जॉब्स हो गए। माइक्रोसॉफ्ट को आप बिल गेट्स के साथ मैच करेंगे, अमेज़न को जेफ बेजोस के साथ, और फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग के साथ, ठीक, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को उनके वर्ष के साथ आपको बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम है जो, वो कब एस्टेब्लिश हुआ, भारत निर्माण कार्यक्रम आया था, ये स्कीम आई थी 2005 में। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब नरेगा है ना, तो नरेगा कब आया था, यहाँ पर 2006 हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा कब बना है, वो बना है मनरेगा 2009 में, ठीक है, नरेगा आया था 2006 में। उसके सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये हो गया आपका 2014 में, और हृदय योजना हो गया 2015 में, ठीक है, तो सब सही अरेंज्ड है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कर योग्य आय के स्लैब हैं जो, उनकी दरों के साथ आपको बताना है कि कौन सही समय लेते हैं। तो देखिए, 5 से 7.5 लाख अगर किसी की इनकम है तो 10% इनकम टैक्स, 10 लाख ये हो गया आपका 15% इनकम टैक्स, और 10 लाख से 12.5 लाख है अगर तो 20% इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये सभी सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित वित्त आयोग को उनके अध्यक्ष के साथ मिलान करें। देखिए, 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, सी रंगराजन, 13वें के विजय केलकर, 14वें के वाईवी रेड्डी, और 15वां के एनके सिंह, जो अभी हैं, ठीक है, कमेंट्स में बताइए कि इनका जो टाइम पीरियड है, किस टाइम पीरियड के लिए ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके प्रसिद्ध स्थान के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए, उर्वरक उत्पादन हो गया आपका आंवला, रबड़ उत्पादन हो गया आपका मोदी नगर, उसके पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी फेमस है, और विस्फोटक कारखाना है ना, आयुध जो कारखाना है उसके लिए आपका कानपुर फेमस हो गया, ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और सर्वाधिक अनुसूचित जातियां कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल गलत, ठीक। और सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ है, पंजाब में, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत लिखा हुआ है तो हो जाएगा पंजाब, और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों को आपको क्रम से लगाना है, ठीक है, तो 2011 की जनगणना से जब हम लगाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा राजस्थान, और फिर आ जाएगा झारखंड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। केरल राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल का जो वर्धमान जिला है, ठीक है, ये प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%, सही है, और महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.2%, ठीक, तो ये भी सही है, तो सारे ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही समय लेता है। देखिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड में हुई है, बिल्कुल सही। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, कितना है न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का, 879, ठीक है,
और न्यूनतम साक्षरता दर है जो वो बिहार की है, ये कितनी है 61.8%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 17.7%। ठीक, और उसके अलावा जो 1921 है जो है ना, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ष में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, ठीक है, याद रखिएगा, दशकीय वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक रही थी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही समय लेते हैं? रजत रेशा क्रांति आप किसके लिए है? कपास उत्पादन के लिए है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए, और काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है ना, ये है क्या नीरी, ठीक है, संस्थान के द्वारा यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है नीरी के, नीरी कहाँ है? नीरी नागपुर में है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, विश्व मौसम विभाग संस्थान, ये यूएन की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये गलत हो गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है ना, जेनेवा। तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास उत्तराखंड का जिब कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बाघ आवास की बात हो रही है, गलत हो गया, क्योंकि बाघ आवास है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। और केवलादेव घना है जो वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो साइबेरियन क्रेन के निवास स्थान के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो केवलादेव घाना में आती हैं और उड़ के। ठीक, तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही। उसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन करके सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक, तो ये दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको आपको उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए, नीलगिरीज है जो वो आपका 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा 2000। ठीक, तो यहाँ सारे ही सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित लोक नृत्य या लोक संगीत है जो उनका मिलान उनके राज्य के साथ आपको करना है। तो भुइया है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ मैच करेंगे, बिछुआ असम के साथ, झूला डांस उत्तर प्रदेश, और पणिहारी आपका गुजरात। ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जवाहरलाल नेहरू नृत्य एकेडमी की स्थापना मिजोरम में कब हुई? 1954 में की गई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, मिजोरम में नहीं, आपका मणिपुर में यानी इम्फाल में है बेसिकली, है ना, इम्फाल। इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में, तो मणिपुर में हुई, तो ये गलत हो गया। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1965 में की गई, ये भी गलत है, क्योंकि स्थापना हुई है 1959 में। ठीक है, दोनों गलत हो गए, आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, बिल्कुल सही। गोपी कृष्णा है जो वो कत्थक डांसर हैं, और दुराई स्वामी अयंगर वीणा वादक हैं। ठीक, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित लेखकों को उनके पुस्तकों के साथ मिलान करें। अलबरूनी की बुक है किताबुल हिंद, मुल्कराज आनंद की कुली, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, और सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थलों का उनके शामिल वर्ष के साथ मिलान करें। तो कंचनजंगा कब शामिल हुआ इनकी विश्व धरोहर सूची में? यह हुआ 2016 में शामिल। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण संस्थान, ये संरक्षण स्थल, ये आपका 2014 में, पश्चिमी घाट 2012 में, और आगरा का किला तो सबसे पहले था 1983 में। ठीक है, तो सभी सही है, ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकों को उनके लेखक के साथ मिलान करें। रिसर्जेंट इंडिया है जो वो विमल जलान की पुस्तक है, हाफ अलाइफ है जो वो वीएस नायपॉल की है, स्पीकर्स डायरी आपके मनोहर जोशी की हो गई, और मदर टेरेसा नवीन चावला की। ठीक है, तो सभी सही मैच है, आंसर ए हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमे देता है? रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कलकत्ता में है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपका जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये कोलकाता में है, ये भी सही। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार है जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये आपका न्यू दिल्ली में है, ना कि कोलकाता में। ठीक, ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में से कौन सही सुमे लेता है? 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस, 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 सितंबर को होता है विश्व शांति दिवस। ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमे लेता है? चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए। अगला देखें, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्र के साथ मिलान करना है। रेखी समिति है जो, वो आपके अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसके बाद आपकी जो मुरारजी देसाई समिति है, वो आपकी बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए आई थी। और सीटी कुरियन है जो, वो आई थी आपके अर्थशास्त्री हैं सीटी कुरियन, ठीक है। और एलके ओझा है जो, वो आई थी कराधान के लिए, ठीक है, आपके टैक्सेशन सिस्टम के लिए, एलके ओझा समिति। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी। अगला देखें, निम्नलिखित रिएक्टरों में से कौन उनकी स्थापना वर्ष के साथ सही सुमे लेता है? अप्सरा 1956, कामिनी 1996 और ध्रुव 1985। ठीक है, सारे ही सही हैं, ठीक है, सारे रिएक्टर्स के वर्ष सही लिखे हुए हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन नोबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं? ठीक है, वीएस नायपाल को भी नोबल पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, और कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है। ठीक है, तीनों भारतीय या फिर भारतीय मूल के हैं जिनको नोबल पुरस्कार मिला है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि इन तीनों को किन किन चीजों के लिए नोबल पुरस्कार मिला है, इनका क्या योगदान था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित संगठनों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। देखिए, इंटरपोल है जो, वो आपका लियोन्स में है उसका मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका मुख्यालय कहाँ है, ये है आपका जेनेवा में, और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ है जो, उसका आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन संस्थानों का स्थापना वर्ष 1945 में है? आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बिल्कुल 1945 में है। आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ग्लोबल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये भी आपका 1945 में ही स्थापना हुई इसकी। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ की स्थापना भी 1945 में ही हुई है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित अनुसंधान एवं खोजों में से कौन सही सुमे लेता है? परमाणु बम ऑटोहान सही है। परमाणु का नाभिकीय नाभिक निर्देश है जो, मतलब जो न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम है, वो रदरफोर्ड का है। और गोबर गैस संयंत्र है जॉन गिबन की, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोबर गैस संयंत्र है जो, वो है डॉक्टर एस वी देसाई, है ना, एस वी देसाई। तो आंसर हो जाएगा इसका वन एंड टू। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।